जय श्री राम दोस्तों, आ चुके हैं खेतों में। तो अपने गोभी कटाई जो पहले रह गई थी बारिश से पहले, वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो ये अपनी गोभी है, यहाँ पे बारिश के कारण जो गोभी कटाई बीच में रह गई थी वो आज शुरू करवा दिया दोबारा से। खेत फिलहाल अभी गीला है, पर ऊपर से जो जहाँ पे घास ज़्यादा है वहाँ पे कटाई चल रहा है, वहाँ पे खुरपा ठीक चल रहा है। देखिए एक एक फांट कंप्लीट भी कर चुके हैं, वो लग रही है अपनी लेबर वहां पे उस टाइम। तो आज अपने दो बंदे आए हैं, बाकी एक छुट्टी पे है। एक यहाँ पे इनके साथ कटाई करवा रहा है, दूसरा खाद गिर रहा है गोभी में। तो आज धूप निकल हुई है अच्छी वाली, पछुआ हवा चल रही है। तो अब देखते हैं आगे मौसम कैसा रहता है, साफ रहेगा या फिर से ख़राब हो जाएगा। फिलहाल तक तो मौसम साफ है, दोपहर बाद फिर से गोभी लगाएंगे। 2 किले 2.5 किले रह गए हैं अपने गोभी लगाने के, वो दोपहर बाद लगेंगे। आज देखते हैं कितना लगेगा, कितना रह जाएगा, बाकी का जो रहेगा वो कल लगेगा। ये अपनी गोभी है, ये इधर रह गया घास निकालना। और तो अब थोड़ी देर में जाएंगे शाहबाद, वहाँ पे डेंटिस्ट के पास जाके आना है। देखते हैं किस टाइम की अपॉइंटमेंट मिलती है, किस टाइम बुलाते हैं। तो फिलहाल अभी खेतों में है, उसके बाद जाएंगे। ये इधर अपनी जीरी खड़ी है, ये वाली अपनी जीरी निसर गई है। अभी इसमें दाना पड़ना बाकी है। ये हमारी अपनी 26 लगाई हुई है, 0126। ये इधर 7301, ये खुद की पौध थी, और फ्लड के कारण फिर अपनी पौध ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद ये मॉल की पौध लेके आए थे 26 की। हवा बहुत चल रही है आज, तो इसलिए हवा की आवाज़ भी थोड़ी बहुत आ सकती है। लेबर को लेके आ चुके हैं हम, और शुरू हो गई हमारी गोभी की लगाई दोपहर बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जनिया ये लगाई कर रही हैं, और दो जनिया वहाँ पे पौध की पढ़ाई कर रही हैं। तो और साथ में हमने जो कल गोभी लगाई थी इसके अंदर पानी लगा दिया है, क्योंकि पछुआ हवा चल रही है ज़्यादा तेज, और धूप भी करा रही है। और ये खड़ी है हमारी कार, अब चलते हैं हम शाहबाद डेंटिस्ट के पास, वैसे भी लेट हो चुके हैं बहुत हम। तो चलिए चलते हैं शाहबाद। सीट बेल्ट ला ले भाई। तो चलिए वहीं चल के मिलते हैं अब। लो भाई, जोन से काम आए थे शाहबाद वो पूरा हो चुका है, और हम चल लिए वापस घर की तरफ। अब अपना डेंटिस्ट के पास दांत दिखाने थे, जो दिखा दिए। अब चलते हैं घर पे, खेतों में दोबारा से देखते हैं वहाँ पे कोई काम होगा जो, तो मिलते हैं खेतों में जाके। गंदे रास्ते में अपने ट्रैक्टर के टायरों का रेट पूछ कर जाएंगे अगले का, 7:50 16 के और 9:20 के। तो पूछा देखेंगे अपने ट्रैक्टर में पवाएंगे, फिर जोन से ठीक लगाएंगे। तो मिला है दुकान पर चरका। तो कर लिया हमने टायरों का पता, यहाँ से शाहबाद से हम सारे टायर इसी से डलवाते हैं, जब भी ट्रैक्टर में टायर डलवाने होते हैं। तो एक में परसों ही डलवाया हमने 605 में, तो हमने 916 का और 7:50 16 का पता कर लिया। तो अब देखते हैं कौन सी सलाह बनती है, कौन सा डलवाएंगे। तो चलो अब चलते हैं घर पे, मिलते हैं।
तो आ चुके हैं हम शाहबाद जाके अपने खेतों में। तो अभी लेबर लगा रही है गोभी, एक किला पूरा कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा रह गया तो साथ के साथ इसमें पानी चला दिया है पीछे पीछे। तो एक किला ये पहले फिर गया, ये फिर के गए इसमें चला के गए थे, अब आए तो ये फिर गया। इतना लाइट दूसरे ट्यूबवेल पे आ रही है, इस पर नहीं है, ये दोनों अलग अलग लाइनें हैं अपनी दोनों ट्यूबवेलों की। तो इसका बेनिफिट रहता है बहुत ज़्यादा, कभी एक आए दूसरी ना आए तो एक से काम चल जाता है अपना। तो देखिए किला पूरा कंप्लीट होने वाला है, कल लगेगा फिर ये नेक्स्ट किला। एक किला रह गया अपना ये, और आधा किला रह गया गांव में। तो शाम हो चुकी है, अब छुट्टी का टाइम हो गया इनके। तो अब इनको छोड़ के आएंगे फिर ट्रैक्टर पे। वही समा हो गया पानी कंप्लीट, चल रहा पिछले वहां, बाकी चला अपना घर फिर चली जाओगे थोड़ी देर में, आ जाएंगे डा मारना, मिला कल के ब्लॉग में। जय श्री राम।